माफिया मुख्तार को 10 साल की सजा, गैंगस्टर एक्ट में कोर्ट ने सुनाई सजा। मुख्तार के सहयोगी को 5 साल की जेल। जेल में सजा काट रहे बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ कोर्ट की कार्रवाई लगातार जारी है। अब MP MLA कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के एक केस में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा और 5 लाख का अर्थ दंड देने की सजा सुनाई है, जबकि उसके सहयोगी सोनू यादव को कोर्ट ने दोषी मानते हुए 5 साल के कारावास और 2 लाख रुपए का अर्थ दंड लगाया है। आपको बता दें कि ये मामला साल 2009 का है, जब करंडा के सबुआ निवासी रिटायर्ड शिक्षक कपिल देव सिंह की हत्या हुई थी, जिसके बाद मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मामला दर्ज हुआ था। उसी मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है। मुख्तार अंसारी और उनके साथी सोनू यादव के विरुद्ध सन 2010 में अपराध संख्या 482 2010 थाना करंडा में पंजीकृत हुआ था, और उसी मुकदमे में 26-10 निर्णय उद्घोषित करते हुए दोनों अभियुक्तगण को दोषी घोषित किया गया था। और आज सजा के प्रश्न पर बहस होनी थी, और सजा के प्रश्न पर अभियोजन की ओर से अभियुक्त मुख्तार अंसारी को अब तक हुए 5 सजाओं का उल्लेख करते हुए एक बयान अल्पी थाना करंडा के द्वारा प्रस्तुत किया गया, और यह मांग की गई कि अभियुक्तगढ़ का जो इस तरह का आपराधिक इतिहास है उसको ध्यान में रखते हुए इनको अधिक से अधिक सजा दी जाए। और अभियुक्तगढ़ की ओर से और उनके अधिवक्ता की ओर से भी उनकी उम्र का और उनको बीमारी का हवाला देते हुए कम से कम सजा के लिए निवेदन किया गया था। माननीय न्यायालय ने बहस सुनने के बाद जो आदेश निर्णय आदेश पारित किया है उसमें अभियुक्त मुख्तार अंसारी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 5 लाख के अर्थदंड से, तथा सोनू यादव को 5 वर्ष के सश्रम कारावास और 2 लाख रुपए के अर्थदंड से। इस दौरान क्या मुख्तार, इस वक्त हम मौजूद हैं गाजीपुर के MP MLA कोर्ट के पास, जहां माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को MP MLA कोर्ट द्वारा आज 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना, और उनके सहयोगी सोनू यादव को 5 साल की सजा और 2 लाख रुपए का जुर्माना रखा गया है। आपको बता दें कि वर्ष 2009 में कपिल देव सिंह की हत्या करंडा में जो हुई थी, और मोहम्मदाबाद मेरा सब अली की, इस दोनों मामले में 2010 को मुकदमा कायम हुआ था। इसी गैंगस्टर मामले को लेकर सुनवाई भी हुई थी, इसमें बरी भी हुए थे। आज MP MLA कोर्ट में मुख्तार की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा पेशी भी हुई थी, और उसने जज न्यायाधीश से कहा, गुहार लगाया कि मैं 2005 से जेल में बंद था, और आपको बता दें कि 2005 से जेल में बंद था, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, लेकिन जो भी आज फैसला है वो मैं न्यायालय का स्वागत करता हूं। वही आप देख रहे थे गाजीपुर से पंजाब केसरी टीवी के लिए आरिफ वासी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।